क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेज प्रताप यादव से वाराणसी के होटल में बस सलूकी पुलिस मामले की जांच में जुटी। चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चिराग ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि अगर केंद्र की रची हुई साजिश है तो आप जांच करवाइए। नालंदा में पूरे शहर में की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। डीएम शशांक शुभंकर ने कहा स्थिति सामान्य रही तो इंटरनेट सेवा होगी बहाल। बिहार में हिंसा मामले में 9 घरों में कुर्की, 7 लोगों ने किया सरेंडर, 2 घरों में कुर्की अभी भी जारी। गया में पूर्व सांसद रणजीत सिंह के फोटो पर श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव से वाराणसी के होटल में बस सलूकी का मामला सामने आया है। ये घटना एक सिगरा स्थित होटल अरकाडिया की बताई जा रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव वाराणसी दौरे पर थे। तेज प्रताप यादव को वाराणसी के एक होटल में उनका सामान उनके कमरे से स्वागत कक्ष में फेंक दिया गया। होटल के कर्मचारी जबरन उनके कमरे में घुस गए और सारा सामान बाहर निकाल कर फेंका, जहां विवाद के बाद तेज प्रताप यादव को सामान के साथ होटल से बाहर कर दिया गया। इस पर तेज प्रताप यादव ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। मामले की जानकारी होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस इस घटना की जाँच में जुटी हुई है। बाढ़ में पंडारक प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय परसांबा में पेयजल आपूर्ति ठप होने से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पेयजल आपूर्ति की जानकारी पर विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में हैंडपाइप खराब होने के कारण पेयजल की किल्लत का सामना बच्चों को करनी पड़ती है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे स्कूल के पास एक कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। यदि कुएं से पानी निकलने के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोटर चलता नहीं है, कल चलता नहीं है, अभी ऑफिस में अथी करते करते हम लोग थक गए, अभी तक आया नहीं है। बड़े पदाधिकारी को सूचना दिए थे लेकिन अभी तक आए नहीं। क्या वो शासन मिला अभी तक? टेंडर होगा, अभी 1 महीना गराना हुआ है, टेंडर होगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अभी पढ़ने का समय है, तुम पानी पीने के लिए जा रहे हो? दोनों चापाकल अभी खराब हुआ। ये खराब है तो इसकी शिकायत क्या बड़े पदाधिकारी को किया गया था? किस लिए? पानी पीके। तो स्कूल जाने का वक्त हो गया, अभी तुम पानी पी कर आ रहे हो, क्यों? क्योंकि पानी स्कूल में चापाकल दो है, पानी नहीं चलता, इसलिए। पानी नहीं चलता है तो कहाँ जाना पड़ता है पानी पीने के लिए? गांव पे। खबर बेतिया से है, जहां रामनगर थाना परिसर में जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में सीओ विनोद मिश्रा ने प्रभारी थानाध्यक्ष शिवनारायण चौधरी की उपस्थिति में जमीनी विवादों की सुनवाई की गई। जमीनी संबंधित मामलों में एक विवाद को सुलझाया गया। वहीं अन्य जमीनी विवाद जो न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में टाइटल सूट केस चल रहा है, वैसे मामलों के लिए दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए
समय दिया गया। आपको बता दें कि कई जमीनी विवाद को लेकर अंचलाधिकारी विनोद मिश्रा रामनगर प्रखंड के कई गांव में निरीक्षण करने पहुंचे। जमीनी विवाद मामले में सीओ ने मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण दोनों पक्षों को अपना कागजात दिखाने की जानकारी दी। कई लोगों ने भूमि विवाद संबंधित कागजात प्रस्तुत किया। प्रभारी थाना अध्यक्ष चौधरी जी के साथ किया गया, जिसमें पूर्व के दो मामलों को सुनवाई के पश्चात निष्पादित किया गया और एक नया मामला आया है जो पदासी देवी के नाम से है और उसमें संबंधित जो द्वितीय पक्ष के लोग हैं उनको नोटिस किया गया है। सक्षम कार्य प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया है और उपस्थित होने के पश्चात विधि समाप्त कर दिया गया। बिहार के गया में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। शुरुआती कोविड 19 में किया गया हॉटस्पॉट रहा था, अब जब कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैल रहा है तो गया में कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। वहीं इस बीच कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि एक महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहाँ जाँच में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं मामले में डॉक्टर ने बताया कि अभी गया जिले में 10 कोरोना संक्रमित एक्टिव केस हैं। एहतियात यही है कि मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें, ये एहतियात है। और हम लोग ओपीडी में भी यही लागू करने जा रहे हैं कि मरीज़ जो दिखाने आते हैं उनमें दूरी बनी रहे और मास्क लगा के आवे। हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी मास्क लगाएंगे और लगा भी रहे हैं और पूर्णतः लगाएंगे, जिससे एहतियात बनी रहेगी। बिहार के गया में सीआरपीएफ, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दर्जनों कांड में वांछित दो नक्सली को दबोचा गया। इसका खुलासा गया एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। इस संबंध में एसएसपी ने बताया कि नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि कई नक्सली घटनाओं में शामिल कुख्यात दो नक्सली गया जिले में छुपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की, उसमें कार्रवाई की जा रही है और जो भी नक्सली गतिविधि में शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कई कांडों में शामिल नक्सली जो कि अंतर जिला के कई मामलों में वो शामिल रहा है, उनकी देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। और तो सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए गया पुलिस तथा एसटीएफ तथा सीआरपीएफ 159 बटालियन की एक संयुक्त टीम तैयार की गई थी, जिसके द्वारा वहां पे मतलब छापेमारी करते हुए इसमें दो नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हैं रामजी सिंह भोक्ता उर्फ रामजी भोक्ता तथा मुकेश सिंह भोक्ता। इनके विरुद्ध अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गया जिला तथा औरंगाबाद जिला में ही रामजी सिंह भोक्ता के विरुद्ध 16 कांड दर्ज हैं तथा मुकेश भोक्ता के विरुद्ध भी 2 कांड दर्ज पाए गए हैं। गया के कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता पूर्व सांसद रणजीत सिंह के श्राद्ध क्रम में लोगों ने चलचरित्र तस्वीर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इस मौके पर शामिल लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता थे, इनका जाना अपूर्ण क्षति है, इनकी कमी हमेशा खलेगी। इनके दिए गए मार्गदर्शन में चलने का संकल्प लिया गया। इस संबंध में उनके बड़े बेटे अमित सिंह ने बताया कि आज हमारे पिता का श्राद्ध कर्म है, उनके चाहने वाले शामिल होकर प्यार दे रहे हैं, हमेशा ये आप सभी के बीच सदैव प्यार संबंध बना रहेगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय मिठू आदि शामिल रहे। खबर मसौड़ी से, जहां एक 53 साल की विधवा महिला की हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही मृतका के परिजन ने गांव के ही युवक के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया है। मृतका के परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण महिला की हत्या की गई है। मृतका के परिजनों का कहना है कि उसके गले पर निशान है। सूचना मिलते ही मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। इस पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए पुलिस जाँच में जुट गई है। तो हमने सब मटर हो गया तो हमने सब आए हैं, घन किलो में मार दिया। कौन मारा? कौची नाम है? नाम सरदार मांझी। सरदार मांझी घर है हमको नाम। महिला की उम्र कितनी होगी? 53 बरस। घटैया, मेरा संगत पर से फोन आया आपको बहन के मटर होंगे, तो हम यहीं पर इसे थाना भी सर घूर गए। वहाँ गया तो घर पर गया तो घर पर परिवार पर जाके बोले कि बहन का मेरा मटर हो गया। भैया उसको बोले तो भैया बोला कि सही बात है, तो बोला हम कि हाँ सही बात है।
जैसे सुबह 8 बजे हमको मालूम हुआ कि कोई बताएं कि पूनम देवी की हत्या कर दिया है सरदार मांझी ने, तो हम लड़कों से भेजे इनको घर पे कि जाके देखो तो सही में मर्डर हो गया है कि क्या। तो सही में गांव के सब लड़कन फोन किया कि हाँ सही में मर्डर कर दिया। घाटा घटना की से हमको बहन के धन के लोभी कारण ने मार दिया, यह खबर गया गांव घर खबर दिया कि से आपको बहन के जान मार दिया धन के चलते। मुजफ्फरपुर में जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी हो गए, फिर बीच सड़क मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों से महिला समेत कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड की है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजी, जबकि दोनों तरफ से आवेदन देने के बाद पुलिस की कवायद चल रही है। बिहार शरीफ में 31 मार्च को विराट शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प के बाद बिहार शरीफ में अमन चैन बनाए रखने को लेकर 3 बार सद्भावना मार्च निकाला गया। जिला प्रशासन लगातार सुरक्षा बनाए रखे हैं। जुमे की तीसरी नमाज को लेकर जहां मस्जिदों में भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर सुरक्षा कर्मियों एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। जिस जगह से विराट शोभा के दिन हिंसा भड़की थी, उसी गगन दीवान के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन की मदद ली गई। आपको बता दें कि SDO अभिषेक पलासिया खुद ड्रोन की टीम के साथ बिहार शरीफ के गगन दीवान, खासगंज, बड़ी दरगाह समेत कई इलाकों में ड्रोन के सहारे मस्जिद से अलग अवैध जमावड़ा पर नजर रखे रहे। लगातार इलाके में घूम घूम कर गश्त भी किया जा रहा है। फिलहाल बिहार शरीफ में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मस्जिद में आते हैं तो उसी वजह से विशेष निगरानी रखे हुए, हर जगह मैजिस्ट्रेट पोस्ट का तैनाती, सभी इंपॉर्टेंट मस्जिद पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है और ड्रोन की व्यवस्था से भी हम देख रहे हैं कहीं पे अनावश्यक जमावड़ा वगैरह ये सब ना लगाओ ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट। बिहार शरीफ रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हिंसक झड़प के बाद प्रशासनिक कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में SIT के द्वारा कार्यवाही करते हुए शोभा यात्रा के आयोजक एवं बजरंग दल के संयोजक के घर पुलिस ने कुर्की की है। पुलिस अधिकारी घर पर पहुंच गए और सामानों को जब्त करना शुरू कर दिया। SP अशोक मिश्रा ने बताया कि कल कुल 9 आरोपी के घर कुर्की हो रही है, जिसमें 6 लोगों ने सरेंडर कर दिया है। शेष 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिसके घर भी अभी भी कुर्की चल रही है। प्रशासन के इस कार्यवाही से उपद्रव में एक कड़ा मैसेज जाएगा। जो उपद्रव के दौरान कानून को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सामान सब कुछ लेकर चल गए, लूट लिए हैं। एक अगला बार भी आए थे ना, उस दिन भी 60,000 रुपया और 3-4 खंडा जेवर था, वो भी लेकर चल गए हैं। अच्छा। उस जगह भी हमको हटा दिए, नहीं रहने दिए। आरोप किया है कुंदन पर? आरोप आरोप है कुंदन पर? आरोप तो अब हम आरोप करेंगे जी। हम ढूंढ के ला रहे हैं, फिर भी इन लोग, हम निकल गए, इन लोग नहीं माने, और इसके बीच में इन लोग सामान को लोड करवा रहे हैं। जब हम 15-20 मिनट में हम कुंदन कुमार को हम जब यहाँ उपस्थित किए हैं, तब इन लोग के, तब सामान इन लोग रोकने का, तब यहाँ जब तक कुर्ती रुका। पूरे घटनाक्रम में SIT जाँच कर रहे हैं, जिसे DSP हेडक्वार्टर लीड कर रहे हैं। SIT के द्वारा कांड में अनुसंधान किया जा रहा है, अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की जा रही है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। जो अपराधकर्मी फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध जो है वो न्यायोचित जो कार्रवाई की जा सकती है की जा रही है। रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए Prime TV। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं।
skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान गगन दीवान में हुई हिंसक वारदात के बाद एहतियात के तौर पर पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज शहर के विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। इस मौके पर शहर के विभिन्न मस्जिदों के समीप दंडाधिकारी के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए। इधर दूसरी तरफ डीएम, एसपी और डीएसपी समेत सभी थानेदार अपने अपने इलाके में गश्त लगाते दिखे। प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से नजर भी रखी जा रही है ताकि किसी तरह का उपद्रव नहीं हो सके। वहीं जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि 8 अप्रैल से बिहार शरीफ में अगर स्थिति सामान्य रही तो इलाके में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। लोगों के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। तीन चार दिन से आप लोग भी देख रहे हैं तो सारी चीज़ शांति ये मस्जिद नहीं, मस्जिद के अंदर कुछ भी उपद्रव नहीं हुआ। आप लोग खुद भी इसको इन्वेस्टिगेट किए होंगे। अंदर जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर वहाँ नहीं, नहीं हुआ है। ये तो बाहर में ये फल सब्जी सब रखते नहीं, 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 सवाल मेरा नहीं है। और सवाल मेरा है कि था और किस तरह से आप करें। नहीं, इसमें कोई चौक नहीं। यहाँ के लोग अच्छे हैं। कुछ उपद्रवी तत्वों के लिए सभी को खराब नहीं कहा जा सकता है। कुछ और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी हम लोगों से लगातार टच में है। हर मोहल्ला में शांति समिति भी एक्टिव है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ते का वक्त लगभग कल मॉर्निंग तक तो बंद है और अगर सब ठीक रहा तो उसके बाद हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। बैंक मतलब यानी कि कल 8 तारीख से शुरू हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आज का सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिसाइड। अभी तक नुकसान का कोई आंकड़ा क्या सोचे थे? जिस तरह से उपद्रव हुआ था, जिस तरह से उपद्रव हुआ था और जुमे का नमाज आज है तो क्या सोचे थे कि यहाँ शांतिपूर्वक नमाज पढ़ा जा सकता था? और क्या देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो आज जुमा का आराम से नमाज पढ़ने का मौका भी मिला हम लोगों को। प्रशासन बहुत ही बेस्ट काम किया। क्या नाम हुआ जी? हमारा नाम MD मिंटू हुआ। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि मनियारी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने दो युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक से किसी काम से जा रहे थे और इसी दौरान ये घटना हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है। पेशेंट को एंट्री है। दोनों पेशेंट को एक गोली अभी एक्सरे में दिख रहा है। बाकी अभी सीटी स्कैन वगैरह कराया जाएगा। कहाँ कहाँ लगी है? पेट के पिछले निचले वाले हिस्से में पीछे में लगी है। स्थिति क्या है? दोनों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। दोनों का इलाज अभी स्टार्ट कर दिया गया। नाम बता देंगे सर? डॉक्टर गौरव वर्मा। कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या लूट पाट है कुछ? नहीं, ऐसा उनके बाद से ऐसा कुछ नहीं लगा है। एक आदमी जो होश में है वो बताया कि हम लोग को कोई जानकारी है ही नहीं कि क्यों मारा गया, गोली क्यों चलाया, इसकी कोई जानकारी नहीं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। दोनों कौन लगते हैं? आपस में कोई है क्या? नहीं, ग्रामीण है दोनों। दोनों ग्रामीण हैं। गोली कितना लगा है दोनों को? एक को कमर में एक गोली लगी है और दूसरे को पीठ में दो गोली लगी है। पिंटू कुमार को पीछे से अपराधियों ने खहेट कर दो गोली मारा जो पीछे से लगा हुआ है, और किशन कुमार को एक गोली पजरा में लगा। और घटना मनियारी थाना और मारकन के बीच की है। अभी वर्तमान में पिंटू कुमार के डॉक्टर साहब ने बताया है कि 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है और किशन कुमार के 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, जिसका व्यवस्था हम लोगों ने किया है। बिहार के दो जिलों में जिस तरीके से हिंसा झड़प हुई उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार कटघरे में हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र की रची हुई साजिश है तो आप जाँच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इनसे अपना खुद का जिला संभाल नहीं पा रहे, ये पूरे बिहार को क्या संभालेंगे। वहां नालंदा के बिहार शरीफ में 2 से 3 दिनों तक चलता रहा लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जिससे कोई निष्कर्ष निकलेगा।
अपने गठबंधन करूं, मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको पुनः मैं जाती हूँ कि मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग हम लोग क्या आराध्य हैं भैया वीर बाबा शोहरमल, हम लोग पूछते हैं उनको। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। सहरसा में कोसी का इलाका पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ भूखमरी बेरोजगारी कहे तो यहाँ के लोगों की जिंदगी 75% दवा पट्टी की हुई है। यहाँ पलायन बस्तूर जारी है। कोसी पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल जहाँ पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग इलाज कराने आते हैं, अगर मरीज की परेशानी बढ़ती है या मरीज को रेफर किया जाता है तो उनके परिजन के पास दरभंगा डीएमसीएच और पटना जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं रहता है। यहाँ पिछले 8 वर्षों से लोगों की मांग है कि सहरसा में एम्स महा अस्पताल का निर्माण हो, लेकिन राजनीतिक कारणों से या अन्य किसी भी कारणों से यह पिछले 8 वर्षों से एम्स महा अस्पताल का निर्माण कार्य सहरसा और दरभंगा के बीच झूल रहा है। परिवार को हम सबसे अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सब आदमी सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक इतना ट्विटर पर आप क्या बोलते हैं मैसेज भेजिए, इतना ट्वीट कीजिए कि प्रधानमंत्री जी भी अगर ट्विटर पर देखेंगे ना तो खाली दिखाई देगा उनको एम्स फॉर सहरसा। स्वास्थ्य मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, ये 4 जो हमारे महानुभाव हैं इनको भेजना है। और हर आदमी से हम आग्रह करते हैं, हर परिवार से हम आग्रह करते हैं कि इस महापर्व में सब आदमी भागीदारी लीजिए और सब आदमी ट्वीट। बहुत बड़ा निर्णय लिया है, 9 अप्रैल 2023 जो दिन रविवार पड़ता है, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक एम्स फॉर सहरसा के लिए एक ट्विटर अभियान चलाएंगे और 9 अप्रैल के दिवस को पंथ पार्टी व्यक्तिगत किसी तरह से भावना से उठकर सहरसा वासी कोसी वासी मिथिला वासी बन करके एकता के सूत्र में सामाजिक सद्भाव के सूत्र में बन करके अपने सहरसा अपने कोसी के लिए एम्स का मांग करेंगे और इसके लिए लाखों ट्वीट करने के लिए तैयार है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड में इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। वहीं सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र की छात्रा ने बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाई है। सभी संस्थान द्वारा सफल बच्चों को सम्मानित करने की होड़ सी लग गई है। इसी क्रम में आज सौर बाजार के निजी संस्थान एम्बिशन कोचिंग संस्थान द्वारा भी बिहार बोर्ड परीक्षा में सफल बच्चों को सम्मानित किया गया है। क्या गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं विगत सप्ताह मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित हुआ था, उसी क्रम में हमारे बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो जितने भी हमारे बच्चे मैट्रिक और इंटर में पास किए हैं उन सभी बच्चों को सम्मानित करने के लिए आज हमारे संस्थान में एक सम्मान समारोह रखा गया। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कबड्डी लीग मैच का शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम आनंद शर्मा ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। आईपीएल की तर्ज पर चैनपुर में कबड्डी लीग प्रतियोगिता में कुल 4 टीम शामिल होंगी। चारों टीम के बीच 3 दिवसीय लीग प्रतियोगिता होनी है। इस अवसर पर चैनपुर कबड्डी लीग मैच के इस मौके पर लीग मैच के आयोजक निरंजन ठाकुर ने डीएम आनंद शर्मा सहित अन्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। हमारे लोग हैं, उन्होंने मेहनत करके एक इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं और ख़ासकर जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं उनको उनका हुनर दिखाने का मौका दिया जा रहा है इस लीग के माध्यम से। और ये हम किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में इन्हीं युवाओं में से कोई युवा हमारे देश का नाम रोशन करेगा पूरी दुनिया के लेवल पर। तो ऐसे हुनर को लगातार बढ़ावा दिया जाए, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरे ज़िला में आगे आएँ और इस तरीके के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करें ताकि युवाओं को जो उनकी प्रतिभा है वो जैसे ये कबड्डी है इस तरह से अन्य भी किसी खेलों में या अन्य किसी भी चीज। बाढ़ में एक सूत्री मांग को लेकर रिक्शा चालक लगातार हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली को लेकर नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान यातायात बाधित होने से लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं हंगामे के बीच रिक्शा चालकों ने जमकर नारेबाजी भी की।
वसूली किया जा रहा है, प्लस नगर परिषद के जो स्टाफ वहाँ है काटता है उसको विरोध करना चाहिए कि 1,000-2,000 कैसे देगा, और उसको भी वो भी मिला हुआ है, वो रह के कटवाता है, यानी समझ रहे हैं कि नगर परिषद में दो टैक्स दे रहे हैं, यानी एक रेलवे में एक नगर परिषद। रेलवे में नहीं जाएंगे तब देंगे, रेलवे में नहीं जाते जबरदस्ती लेता है, और नगर परिषद वाला जो स्टाफ वहाँ है उसके बाद भी वो रहता है उसका विरोध नहीं करता, वो मिला जुला हुआ, यानी एक ही नगर परिषद में दो टैक्स दिया जा रहा है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, हम पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं।